अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर लेकर, अहम खबर लेकर, जो कि आप सबको इंतजार था, लोग कमेंट्स में भी करते रहते हैं, बल्कि लास्ट वीडियो जब मैंने पिकनिक भी शेयर की थी कि दुआ जहरा और उनके पूरे फैमिली जो है पिकनिक मनाने के लिए गई, बाकायदा तौर पर जो है फिशिंग की, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए और मुझे मैसेजेस भी किए कि बच्ची की स्टडी के हवाले से भी कुछ अपडेट दें कि बच्ची की स्टडी कैसी जा रही है और किस तरह जा रही है। तो खुशखबरी ये है, अहम चीज़ ये है, जो आप सबने जो है वो कोशिश की, दुआएँ की, उसमें ये है कि बच्ची का बाकायदा तौर पर स्कूल स्टार्ट हो गया है। आपने थंबनेल में भी तस्वीर देखी और आपने ये बैग के साथ, तैयारी के साथ देखा कि बच्ची ने बाकायदा तौर पर जो है वो स्कूल स्टार्ट कर दिया है और आज पहला दिन था। 8वीं क्लास में बच्ची का जो है वो एडमिशन करवाया गया है और उसके बाद फिर पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ, पूरे बैग के साथ सुबह जो है वो अपने स्कूल गई हैं। और चूँकि काफ़ी ये ब्रेक आ गया था इस सानहे की वजह से, इस दुख की वजह से, परेशानी की वजह से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो गया। हालांकि आपको याद होगा कि जब बच्ची को 6 जनवरी के बाद माँ बाप के हवाले किया गया था तो उसके बाद उन्होंने स्टडी उस वक्त स्टार्ट करा दी थी, यानी कि ट्यूशन भी, कारी साहब भी आते थे और इस तरह दीगर जो तालीम और तरबियत के हवाले से जो निज़ाम था पूरे घर में वो जारी था। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन है, यानी कि जो तालीमी साल का आगाज़ हुआ है, वो गुज़श्ता रोज़ हुआ था और उसके बाद फिर आज बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म और बैग किताबें लेकर बच्ची स्कूल रवाना हो गई है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि सिक्योरिटी का निज़ाम कैसा होगा, बच्ची स्कूल कैसे आएगी, कैसे जाएगी, वहाँ स्कूल में गैर मुतल्लिका अफराद या मुल्ज़मान की तरफ से कोई थ्रेट्स या कोई इस तरह की ना हो, तो उसमें जो चीज़ें हमें, चूँकि आप खुद स्कूल का जो APS का वाकया हुआ था या उसके अलावा भी स्कूल में जो निज़ाम है वो इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी का निज़ाम है, चाहे वो लोअर ग्रेड के स्कूल हैं या हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, तो सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई फुल प्रूफ होता है। एक तो CCTV कैमरे वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद फिर बच्चे जो भी स्कूल आते हैं ये जाते हैं, तो जो लेने के लिए जो है वो वालिदैन या अपने उनका ज़िम्मेदार फैमिली में से जो शख्स जाते हैं उनके हवाले किए जाते हैं, और जो छोड़ने जाते हैं तब भी वो यही सूरत हाल होती है, यानी कि ना कोई गैर मुतल्लिका शख्स मिल सकता है, ना गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो लेने जा सकता है, ना छोड़ने के लिए जा सकता है, यानी कि ये तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो स्कूल इंतजामिया की होती है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को ना तो ये सिर्फ ज़हरा का आदमी नहीं बल्कि किसी भी बच्चे से जो है मिलने की इजाज़त नहीं होती और ना ही कोई और आके जो है वो तंग कर सकता है, तो इसलिए वो परेशानी वाली बात भी ख़त्म हो गई कि अगर बच्ची वहाँ जाती है तो उसके बाद फिर उसको कोई तंग करने के लिए आएगा, उसको कोई डराने धमकाने के लिए आएगा या कोई और इस तरह का सानिया ना हो जाए, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से मुसलसल जो जिस तरह की हरकतें की गई तो उससे यकीनी तौर पर लोगों के लिए जो एक सवाल ज़रूर था या उनके दिमाग में बात आती कि बच्ची के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो मेहदी कादमी साहब या उनके पूरे ख़ानदान के जो लोग हैं वो अपनी खुद छोड़ के भी आते हैं और उसके बाद फिर लेके भी आते हैं और उसके बाद फिर स्टडी का जो है निज़ाम बड़े बेहतर तरीके से जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को और उसके बाद फिर जो टीम है उनको आगाह भी कर दिया गया था सारे किस स्कूल में जाती है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, किस इलाके में स्कूल है। तो चूँकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, अदालती रिकॉर्ड पर ये चीज़ आ चुकी है कि बच्ची को बाकायदा तौर पर जो वो स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाने के बाद 8th क्लास में बाकायदा तौर पर उसकी जो है वो एजुकेशन शुरू करने के बाद जो सूरत हाल है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने बाकायदा तौर पर फैमिली कोर्ट में सबमिट भी करा दिया है। तो अब ये इंतहाई अहम चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रखी, तो लिहाजा अब एक बेहतर और एक अच्छा और एक ब्राइट फ्यूचर के साथ बच्ची जो है वो इंशाल्लाह आगे जाएगी, क्योंकि मैंने आपको खुद एक मुल्ज़मान के हवाले से भी कई दफ़ा तذکرہ किया जिस तरह बच्ची से गुफ्तगू हुई कि वो ना उस चीज़ से पीछे हटेगी और ना ही वो अपनी एजुकेशन और इन चीज़ों से पीछे हटेगी कि जिसमें जो है वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या उसमें बेहतर फ्यूचर नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल मेहदी कादमी साहब के लिए ये काबिल सताइश है कि उन्होंने जो है वो अपनी बच्चियों की को सेफ़ और सिक्योर करने के लिए जितना जतन कर सकते थे वो किया। बाकी आप सबका शुक्रिया जो आप सबने ना सिर्फ जो है वो इस एहतजाज में शरीक रहे बल्कि सपोर्ट भी किया, हल लिहाज से सपोर्ट किया, तो उन सब के लिए अच्छी और बेहतरीन खबर थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको बताऊं। बाकी सिलसिले में जो हम रूटीन में जो चीज़ें अपडेट करते रहते हैं वो करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।